हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th में जो एडमिशन हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। देखो, क्लास 11th में जो एडमिशन है वो दो टाइप के हैं। एक होते हैं उन बच्चों के लिए जो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन प्लान एडमिशन। और एक होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के एडमिशन, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल में ही अप्लाई करते हैं। तो अभी की जो वीडियो आप देख रहे हैं डियर, ये प्लान एडमिशन है। नॉन प्लान एडमिशन प्लान एडमिशन होने के बाद जो है वो होते हैं। तो अभी गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, अलग अलग स्ट्रीम लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये उसी के रिगार्डिंग वीडियो रहेगी। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि इसमें मैं डिटेल में हर बात बताने जा रहा हूँ। आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के वीडियो को सुन सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट वाले बच्चों को तो अभी वेट करना पड़ेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो अच्छे से समझ लें आपको कैसे कैसे क्या क्या करना होगा। जैसे कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर हमें कॉमर्स चाहिए, तो हमें क्या उस स्कूल को ढूंढना होगा कि किस स्कूल में कॉमर्स है, या वहीं पर जाके एडमिशन करवाना होगा, ठीक है, या आर्ट्स या साइंस क्या करना होगा, हमें अपने स्कूल में जाना होगा, या हम कोई स्कूल चेंज करना चाहते हैं। तो बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके बहुत सारे डाउट्स इसमें दूर कर दूं और अच्छे से आपको समझा दूं, ठीक है। तो डीओई के द्वारा जो है पूरी जानकारी दे दी गई है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, ठीक है, तो उनको करना क्या है। देखो, इसमें मैं आपको जो पूरा का पूरा ही है ना सर्कुलर, अब एक एक लाइन पढ़ के नहीं, बिल्कुल अपने लैंग्वेज में आसान भाषा में समझा रहा हूँ। यहाँ डीओई ने बोला कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, जितने भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, सबको अटैच हो गए हैं, उनमें साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज वगैरह है या नहीं है, सब मतलब स्कूलों को अटैच कर दिया गया। अब अटैच होने से क्या होगा, इससे ये होगा कि देखो आप ना अपने ही स्कूल में जाओगे, आप अपने स्कूल में जाओगे, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना होगा कि उसमें बताना होगा कि आपको क्या चाहिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो। एलिजिबल के लिए ये मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको आगे वीडियो बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि इसी रूल को फॉलो करना है, अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब साइंस विद मैथ अगर आपको चाहिए, मतलब कई बच्चे से होते हैं ना पीसीएम लेते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, जैसे अगर बच्चों को इंजीनियरिंग करनी होती है ना तो पीसीएम लेना होता है, जैसे ट्रिपल आईटी में जाना चाहते हैं या और इसी प्रकार की चीज़ों में, तो उन्हें पीसीएम करना होता है। तो 55% उनके एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है। 55% एग्रीगेट का मतलब यह है कि आपको ये तीन सब्जेक्ट तो लेने लेने हैं, ठीक है, बाकी दो सब्जेक्ट आप और ले सकते हो, लेकिन हाँ आप तीन लैंग्वेज इकट्ठे नहीं ले सकते। जैसे इंग्लिश तो इसमें है, आप सोचो कि हिंदी पंजाबी उर्दू संस्कृत नंबर जोड़ दूँ, नहीं, ठीक है। तो इन तीनों के अलावा दो सब्जेक्ट और लोगे, एक लैंग्वेज ले सकते हो आप और एक और कोई सब्जेक्ट ले सकते हो, उसको मिला के 55% बनने चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में 50, स्टैंडर्ड या बेसिक कोई भी हो 50%, साइंस में 50%, ये अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप साइंस विद मैथ ले सकते हो। समझ में आ गई। अगर आप विदाउट मैथ लेना चाहते हो तो एग्रीगेट तो सेम है, इंग्लिश में स्टैंडर्ड या बेसिक में आपको 40, इंग्लिश में 50, साइंस में 50%, 50% मतलब 100 में से टोटल प्रैक्टिकल वगैरह और थ्योरी को मिला के कह रहे हैं। अगर आपको कॉमर्स विद मैथ लेनी है तो 50%, इंग्लिश में 45 चाहिए खाली, ठीक है, और स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में से किसी एक में 50% और एसएसटी में 45 चाहिए खाली। अगर आपको मैथ नहीं लेनी तो 50% एवरेज, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक में 45, एसएसटी में 45, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ छूट भी है, अभी बताता हूँ क्या छूट है। ह्यूमैनिटीज में आपको अगर ह्यूमैनिटीज लेने, आर्ट्स लेनी है आपको, तो स्टूडेंट अगर पास है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा, यहाँ पे साफ बता रखा है, अगर उसके कितने भी नंबर आए लेकिन पास है। लेकिन अगर उसको इको का सब्जेक्ट चाहिए तो उसको 45% लानी होगी एवरेज, ठीक है। अगर उसे मैथ का सब्जेक्ट चाहिए आर्ट्स में, तो उसके पास स्टैंडर्ड या बेसिक मैथ में 50% नंबर आने चाहिए, परसेंटेज जितनी मर्जी हो, ठीक है, ये बता रखा है। अब छूट किन्हें मिलेगी, यहां बता रखा है छूट के बारे में
कि 5% मार्क्स की छूट मिलेगी तीन सब्जेक्ट जो बता रखे उनमें से केवल एक में, ठीक है, वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, तीन में से केवल एक में मिलेगी आपको। तो आपके पास क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आपको मिल जाएगी 5%? यानी जैसे किसी बच्चे के यहां पर मैथ में 45 आए हैं तो उसको 5 नंबर मिल जाएंगे एक सब्जेक्ट में, या साइंस में उसके मान लो 46 आए, 5 नंबर मिल गए, 51 हो गए, 45 आए, 5 नंबर मिल गए, 50 हो गए, तो उसको साइंस विद मैथ मिल जाएगी, बाकी में तो थे उसके एक में नहीं थे। अगर दो में नहीं है तो आप भूल जाओ, ठीक है। अब किनको मिलेगी 5%? यहाँ बता रखा है कि अगर वो SC है, ST है, माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज में जैसे सिखिज्म होते हैं, बुद्धिज्म होते हैं, पारसीज होते हैं, मुस्लिम होते हैं, ठीक है, जैनिज्म होते हैं, तो अगर ये माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहे हैं, या वो OBC हैं, या वो कश्मीरी माइग्रेंट है जो कश्मीर से यहाँ पर आए हैं, ठीक है, तो या जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आई है नेशनल गेम में, तो जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आई है ना, तो उसको भी 5% छूट मिलेगी। और यहाँ पर बताया गया है कि जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हर सब्जेक्ट में मिलेगी 5% छूट, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर बता रखा है कि आपका जो स्कूल है, मतलब जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं ना, उस स्कूल से आपको इस टाइप का फॉर्म मिलेगा, ये वाला, ठीक है, ये फॉर्म मिलेगा, आपको फिल करके स्कूल में जमा कर देना है, ठीक है, फिर आपको ये चीज़ वो काट के दे देंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये आपको स्कूल से मिलेगा। अब यहाँ पर ना DOE ने बोला है कि देखिए बच्चों और पेरेंट के साथ हो सके ना स्कूल के अंदर ही एक डिस्कशन करें, उन्हें अच्छे से गाइडेंस दें, और यहाँ बोला गया कि ये इंश्योर करें कि किन्हीं के पेरेंट्स बच्चे पर प्रेशर तो नहीं डाल रहे कि यही वाली स्ट्रीम लो, यही वाली स्ट्रीम लो, क्योंकि ऐसा सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये पूरा फॉर्म भर देंगे ना, मैं भी इस फॉर्म के बारे में भी समझाऊंगा, जब आप इस पूरे फॉर्म को भर देंगे तो उसके बाद DS स्टूडेंट आपको पता क्या करना होगा, आपको बस अब घर पर ही बैठना है, क्योंकि अब जो हेड ऑफ स्कूल है ना, फिर वो उसे ऑनलाइन आगे सेंड करेंगे, फिर इस तरीके से सारे स्कूल ऐसे सेंड करेंगे, ठीक है। फिर वो उनका काम है, जो भी नियर स्कूल है ना उसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी साइट है बच्चे ने जो भरी है, उसके हिसाब से वहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। जब वहाँ पर उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी तो वो उस स्कूल में उस बच्चे का नाम लिख लेंगे, और अगर उस स्कूल में सीट्स नहीं बची तो वो किसी और स्कूल में भेज देंगे। यहाँ पर DO ने साफ बोल दिया कि आप ऐसा नहीं करोगे, जैसे ये एक डिस्ट्रिक्ट और ये एक डिस्ट्रिक्ट है, दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर ये स्कूल पास पड़ता है इस स्कूल से, तो बच्चे को पास वाले स्कूल में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। ये नहीं देखेंगे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है तो भाई, और इस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर था, तो वो ये नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में बच्चे को भेजेगा, वो किसी और वाले में भी भेज सकते हैं अगर वो पास में स्कूल है तो, ठीक है। तो जो भी आपकी मर्जी होगी आप ले सकते हैं, लेकिन आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए जो मैंने आपको समझा दिया। अब आप ऑप्शन फॉर्म कैसे भरेंगे, देखिए यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है जो आपकी मार्कशीट में है क्लास 10th की, फिर आपको यहाँ पे स्टूडेंट ID भरनी है, यहाँ पे रोल नंबर भरना है CBSE का, और फिर आप यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं, इनमें से जो आप स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो आप फिल कर देंगे, फिर मार्क्स इन सब्जेक्ट, जो एलिजिबल क्राइटेरिया के लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड है ना वो आपको भरने हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि अगर आप साइंस विद मैथ ले रहे हैं तो आप इन तीनों में कितने कितने मार्क्स लाए हैं वो यहाँ पर आप भर देंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये 4 ही क्यों दे रखे 5, हमें 3 ही चाहिए जो मेन मांगे हैं, ठीक है। वो तो आपने यहाँ पर अपना सब बता ही दिया होगा कि आप क्या लेंगे, ठीक है। और ये देखिए ना, मार्क्स इन द सब्जेक्ट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, आपको 3 भरने हैं, आप चौथे का भर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आपके पेरेंट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर आपके होंगे, ठीक है। फिर ये आप जब जमा करेंगे तो ये वो आपको भर कर देंगे, जैसे यहाँ पर आपका नाम आएगा, ठीक है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, आप किसके सन हो किसके डॉटर हो, यहाँ पर आपके माता पिता जिसका भरना चाहते हैं, ठीक है। एज ऑप्टेड फॉर कौन सी स्ट्रीम भरी है आपने, आर्ट्स भरी है, कॉमर्स भरी है, जो ऊपर ऑप्शन दे रखी है वो पूरा पूरा लिखना पड़ेगा आपको,
इनमें से जो आपने लिए है, ठीक है। और यहाँ पर डेट, यहाँ पर सिग्नेचर, ये आपके टीचर्स का काम है, वो वही करके आपको रसीद दे देंगे, ठीक है। फिर वो आपको बता देंगे कि कब आपका जो है नंबर आएगा, क्योंकि इसकी रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि कब आप स्कूल में जाकर पता करेंगे। तो मैंने मोस्टली इस पूरे पीडीएफ के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। ये सारा उनका काम ऑनलाइन है, फिर आपको बता दिया जाएगा, मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, ठीक है। तो बस इतना था, मतलब आपको अलग अलग स्कूलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।